नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फूड एंड न्यूट्रिशन में सेकेंड यूनिट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी फूड बैलेंस डाइट, फूड ग्रुप्स, फूड पिरामिड, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगी। और उसमें भी लास्ट जो आपकी चल रही थी यूनिट, उसमें आपका केवल रिसर्च बचा हुआ है। उस रिसर्च को मैं जब रिसर्च पढ़ाने लगूंगी तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको। तो इसमें आपको बता दूं कि कुछ बच्चों को इंग्लिश से प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको हिंदी में आप उतना समझ नहीं पाएंगे जितने अच्छे से आप इंग्लिश में समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कुछ वर्ड को इंग्लिश में ही लिख देती हूँ। और वैसे तो मैं सारी चीज़ों को जो इंग्लिश में लिखी रहती हूँ उसकी हिंदी में बताती हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो होनी नहीं चाहिए आपको फिलहाल प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो केवल आपको बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश लिखी है, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। केवल एक बार समझ लोगे तो चीज़ अपने आप मन से भी लिख सकते हो उसको। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। आज हमने लिया है आपका संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट, जैसे आपको पता ही है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, कि एक ऐसा स्वस्थ भोजन जो शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है, संपूर्ण क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। यानी संपूर्ण क्रियाओं का मतलब भोजन के पाचन, पाचन के लिए, शरीर के रोगों की मरम्मत करने के लिए, शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए, टूट फूट की कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए, यानी हमारी बॉडी के मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और प्रिवेंटिव ऑफ डिजीज यानी डिजीज से रोकने के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, जो शरीर को रोग से मुक्त करे। अब हमने यहाँ पर ब्रेकेट में लिख दिया पोषक तत्व, यहाँ पर मैं स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया पोषक तत्व, यानी कि एक ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व तो विद्यमान हो, यानी आपके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर एंड आपके फाइबर्स, ये जितने आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जिस भोज्य तत्व में हो और हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को पूरी तरीके से संपन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन। अब देखते हैं फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स क्या होता है, खाद्य समूह। लगभग ये सारी चीजें एक से ही रिलेटेड होती हैं, सारी चीजें एक से ही रिलेटेड है ये। फूड ग्रुप्स में आपको क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में खाद्य समूह। क्या है, खाद्य समूह। इसमें क्या है, खाद्य पदार्थों का एक समूह जिसमें सभी भोज्य तत्वों का समावेश होता है और जो शरीर की सभी क्रियाओं को पूरा करता हो। देखिए, वही सेम चीज लगभग संतुलित भोजन में आते हैं कि जो हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उस सारी क्रियाओं को हमारा जो भोज्य समूह हम ले रहे हैं, भोज्य तत्व ले रहे हैं, वो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से पूरा करे। और ये देखिए, इसमें सभी क्रियाओं को पूरा करता हो और ऐसे भोज्य तत्व, वही चीज है कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, आपके वाटर, फाइबर्स, ये सारी चीजें आप जो भोज्य तत्व, भोज्य समूह का ले रहे हैं वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। वैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि 5 खाद्य समूह हैं और 7 भोज्य समूह हैं और 11 भी होते हैं, जिसमें हमने केवल 5 को यहाँ पर डिफाइन किया है, कि और भी यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने केवल यहाँ पर नाम लिख दिया है। तो आपका जो 5 खाद्य समूह है, इसमें आपके अनाज आते हैं, दालें आती हैं, दूध या मांस, यानी जो मतलब कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो दूध लेते हैं, दूध से उनकी पूर्ति होती है, और जो नॉन वेज होते हैं वो मांस से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। फल एवं सब्जियां, वसा, शक्कर, ये हमारे 5 भोज्य समूह होते हैं जिसके द्वारा जो है हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। और निर्धारित किया गया है कि इन भोज्य तत्वों के अनुसार ही हमें भोजन को लेना चाहिए। और ये भोज्य समूह सुबह से लेकर के शाम तक जो टेबल होती है डाइट की, ये किसी न किसी मतलब कि टाइम में वो चीजें आप पूरी कर सके, यानी वो डाइट में वो भोज्य समूह का वो तत्व जो है आप ले सके, चाहे सुबह में ले या दोपहर में ले या शाम को ले, यानी वो भोज्य समूह जितने यहाँ पर निर्धारित है उस भोज्य समूह से भोजन में आपके शामिल होना चाहिए। और अब आपका आता है फूड पिरामिड क्या होता है। तो फूड पिरामिड भी क्या करते हैं कि ये सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1992 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था, USDA। अब USDA का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये इस संस्था ने जो है 1992 में फूड पिरामिड तैयार किया,
ये भी आपके उसी से रिलेटेड है जो हमारे बैलेंस डाइट से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें जो आपके बैलेंस डाइट में आपके एक पिरामिड बनाया गया है, अब देखिए ये इसमें बहुत ही इजी इंग्लिश में लिखा है कि ईट मोस्ट ग्रेन्स, यानी हमें ज्यादा मात्रा में अनाजों का सेवन करना चाहिए। मोस्ट ग्रेन्स, ज्यादा मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, ग्रेन्स यानी जो आपके अनाज होते हैं, संपूर्ण अनाज जो आते हैं आपके, उन सबको यूज करना चाहिए। दूसरा आपका है ईट मोर वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, अब आपका क्या है यहाँ पे मोर यानी ज्यादा मात्रा में क्या यूज करना चाहिए, वेजिटेबल्स ग्रेन्स यानी जो हमारी सब्जियां आती हैं, जो हमारे और भी अनाज आते हैं, जैसे आपके बीन्स हुए, आपके जो जितने प्रकार की आपकी दालें होती हैं, ये सारी चीजें हमें यूज में लाना चाहिए। इससे हमें फाइबर्स मिलते हैं और फाइबर्स के साथ साथ हमें जो सुरक्षा मिलती है, सुरक्षात्मक तत्व होता है आपका वेजिटेबल्स, तो इनका यूज मतलब कि दैनिक जीवन में दैनिक भोज्य पदार्थों में हमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट आप पता है ईट मॉडरेट मीट एग एंड ड्राई मीट, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे नॉनवेज चीज़ें होती हैं जैसे और आपकी जो मिल्क या ड्राई बीन्स होते हैं, इनका उपयोग कम करना चाहिए। कम करने का मतलब मॉडरेट का मतलब मीडियम में करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग करने से वो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाते हैं। इसीलिए मॉडरेट का मतलब कम मात्रा में उपयोग में लाना चाहिए, मीडियम में उपयोग करना चाहिए। अब ईट लेस फैट, लेस मतलब कम, हमें फैट की मात्रा जो है कम उपयोग में करना चाहिए, जैसे क्या फैट, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, इन सब चीज़ों की मात्रा जितना हमें लेना चाहिए आरडीए के अनुसार, जो आपका है कि हमें इतने ग्राम लेना चाहिए, आपका जैसे फैट का है 25 से 30 ग्राम आपका फैट लेना चाहिए, तो इसको निर्धारित करके इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का भी उपयोग में नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ईट लेस फैट, यानी फैट, सॉल्ट, शुगर, इसकी मात्रा कम उपयोग में करना चाहिए। उसके बाद ड्रिंक एडिक्योट, अब एडिक्योट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में, तो हमें ड्रिंक मतलब पीना चाहिए एडिक्योट मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें फ्लूड यानी जो तरल चीज़ें होती हैं, जैसे आपका वाटर, टी जो है, देखिए जो डेली चीज़ें होती हैं जैसे आपका वाटर ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन जबकि आपको जो टी है इसकी मात्रा कम डेली कम मतलब कम पीना चाहिए, जैसे आपका टी हुआ, आप कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं इसकी मात्रा कम पीना चाहिए, लेकिन ड्रिंक की यानी आपका जो वाटर होता है ये वाटर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन रखने का काम, नियमन नियंत्रण रखने का काम करता है, अम्लक्षार की मात्रा का भी संतुलन रखने का काम करता है, कौन, हमारा वाटर। अब देखते हैं इलाज हमारा है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब देखिए माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हमारे शरीर की में ये तो एनर्जी तो नहीं देते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत भी तो नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। दोस्तों ये हमारे शरीर में क्या है, हमारे लिए बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है लेकिन इसका जो रोल होता है बहुत ही अहम होता है। क्या है, जैसे एंजाइम और हार्मोन के निर्माण के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए, शरीर में नियमन और नियंत्रण रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब देखिए इसमें आपके मुख्य रूप से चार तत्व आते हैं और भी हैं लेकिन मैंने यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट में डिटेल किया है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन आपके हैं ए डी ई के यानी एडक, दूसरा आपका है जल में घुलनशील विटामिन यानी आपके विटामिन बी और विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम न्यून मात्रा में बहुत ही आवश्यक मात्रा इनकी होती है, यानी कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत ही आवश्यक होता है हमारे बॉडी के लिए। और दूसरा आपका आता है मेजर मिनरल, मिनरल्स का मतलब खनिज लवण, अब खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर और एक ट्रेस। देखिए जो मेजर, अब पहले बार इसकी पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर जो है 4% खनिज ही केवल है, पूरी बॉडी में हमारा 4% क्या है, खनिज है, और उसमें आपका 3/4 भाग कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है, पूरे शरीर में 3/4 भाग आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस है और 1/4 भाग में अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ भी चुका है, नेट में भी आ चुका है। तो 4% हमारा खनिज लवण है। अब आपका देखते हैं जो मेजर मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसमें आपका मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसका नाम लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, आपका पहला है कैल्शियम, फॉस्फोरस, के से पोटेशियम, एस से सल्फर, एन ए से सोडियम और एम जी से मैग्नीशियम, तो ये हमारे क्या है, मेजर मिनरल्स हैं। अब इससे भी कम मात्रा में न्यून मात्रा में हमें जरूरत होती है, इसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, एफ ई का मतलब क्या होता है, आयरन, एम एन का मतलब मैगजीन मैगनीज, उसके बाद आपका कॉपर, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और आपका सिलिकॉन, जिंक,
आयोडीन और क्रोमीन, ये आपके क्या है, इतने आपके ट्रेस एलिमेंट्स हैं। इसका इससे भी कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका है बैलेंस डाइट, फूड ग्रुप्स, फूड पिरामिड और आपका लास्ट में माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने अभी आपको मिनरल्स नहीं शुरू किया है, यदि आपको, क्योंकि ये डिटेल चलेगा कि जितने प्रकार के आपके ये होते हैं इनका सारा क्या कमी होती है, इनके क्या कार्य हैं, ये मैं आपको डिटेल करूंगी। यदि आपको आवश्यकता है कि मैं इसको शुरू करूं तो आप कमेंट लिख के हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी से इसको शुरू कर देंगे तो इसकी जो कमियां हैं, इसके जो कार्य हैं, ये मतलब पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके एक से भी जो आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके मोस्टली रूप से मिनरल से होते हैं कि इस कौन सी बीमारी है, उससे कौन सा मिनरल्स अटैच है, या कौन सा मिनरल उससे किस मिनरल से होता है। तो ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि मैं इसको शुरू करूं कि मैं नेक्स्ट जो है आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको मैं शुरू करूं, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।